इस आज की वीडियो में मैं बात करने वाला फिजिकल रिपोर्टिंग के ऊपर। हालांकि इसके ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई, बट आपका एक कमेंट आ रहा था कि भैया प्लीज एक बार दोबारा बता दो। तो कुछ चीजें हैं जो एनआईटीज देने हैं, जितने भी एनआईटीज है उनका सबका फॉर्मेट यही होता है जो फिजिकल रिपोर्टिंग होती है, सेम फॉर्मेट में होता है। ठीक है, जिसी के ऊपर एक बेसिक्स इन्फॉर्मेशन है, छोटी सी वीडियो है एंड सिंपल सा प्रोसेस है। सो वीडियो लास्ट तक देखना, जिनका भी एनआईटी और आईटी वगैरह में हो। तो आईटी का जो रिपोर्टिंग है हो चुकी है, बच्चे एनआईटीज की और बाकी जीएफटी कॉलेजेस की। ठीक है, तो प्रोसेस को मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, सो वॉच टिल एंड। तो गाइस, तो सबसे पहले जो आपका होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, जैसे जोसा और सीसैप में आपको सीट मिली है, वहां पे आपके जो भी प्रोविजनल एडमिशन लेटर है वहां से मिला होगा, उसे डाउनलोड कीजिएगा। एंड जैसे रजिस्ट्रेशन के अंदर आपको एक बेसिक से डिटेल्स और बैलेंस फी, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे कि भैया बैलेंस फीस से समझ नहीं आ रहा, तो उसका क्या मतलब है? देखो, ये बैलेंस फीस बेस्ड है आपके इनकम सर्टिफिकेट के ऊपर। ठीक है, जैसे आपका इनकम सर्टिफिकेट लेस देन 1 लाख है, तो आपके ना फीस वेवर मिलता है। ठीक है, आपको फीस पे नहीं करनी पड़ती है। इंस्टीट्यूट जो फीस होती है, जो ट्यूशन फीस होती है, उसे नहीं पे करनी पड़ती है। अदर चार्जेस वहाँ पे पे करनी पड़ती है। ठीक है, उसका मैं फीस स्ट्रक्चर एनआईटीजी के वेबसाइट पे भी और बाकी भी एनआईटीज के वेबसाइट पे है, अगर नहीं है तो मुझे कमेंट कर देना या मैसेज कर देना। ठीक है, मेरा टेलीग्राम हैंडल नीचे दिया हुआ है। अदरवाइज मैं इसके अंदर मैं आपको फीस स्ट्रक्चर एनआईटी जलंधर के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसके मैं दूंगा। ठीक है, आप वहां से अपनी फीस दे सकते हो। 1 से 5 लाख के बीच में इनकम उनकी अलग फीस होती है, और जिनकी 5 लाख से ऊपर होती है उनकी फुल फीस होती है, ट्यूशन फीस। ठीक है, ये चीज होती है। एंड अब बात करते हैं फिजिकल रिपोर्टिंग के अंदर क्या क्या हुआ। फिजिकल रिपोर्टिंग के अंदर कुछ नहीं है, जो आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया है एनआईटीज में। ठीक है, वहां पे एक लेटर होगा उसको डाउनलोड करके। एंड जब फिजिकल का देखो, एनआईटी जलंधर में 12, 13, 14 एंड 16 को है, 4 दिन है जो आपकी फिजिकल रिपोर्टिंग होगी। उसके अंदर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स लाइक 10th 12th के डीएमसी, माइग्रेशन, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड, जेई मेंस के एंड और भी सारे से मैं उसके भी आपको पीडीएफ दे रहा हूँ। ठीक है, जबकि मैं स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूँ, ये उसके लिस्ट है जहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स के नाम है, वो चीज़ को आपको फॉलो करनी है। और जिस भी डेट को आप फिजिकल रिपोर्टिंग करवाना चाहते हैं, वहाँ पे आपको टोकन नंबर जनरेट होगा कि आपका टोकन नंबर इतना है, एंड इस डेट को आप कर सकते हो। वहाँ पे 4 दिन है, ठीक है, 12, 13, 14 एंड 16, इस डेट को आप कभी भी फिजिकल रिपोर्टिंग आगे करवा सकते हो। एंड इसके बाद जो ऑनलाइन हॉस्टल अलॉटमेंट है, ठीक है, पहले क्या होता था कि ऑफलाइन हॉस्टल अलॉटमेंट होती थी, बट नाउ द डेज के उन्होंने कर दिया कि ऑनलाइन आप कर सकते हो, ताकि उनका भीड़ ना रहे। आप बहुत सारे स्टूडेंट इधर से उधर घूमते रहते थे, अब उन्होंने ऑनलाइन कर दिया। अगर एनआईटी जलंधर की बताऊँ कि कौन कौन से आपको हॉस्टल्स मिलेंगे, तो BH1, BH2 एंड BH5, ये 3 हॉस्टल्स हैं जो आपको मिलेंगे, आप यहाँ पे भर सकते हो। अगर बेस्ट पूछोगे तो एनआईटी जे का, यार स्टार्टिंग में हर किसी को लगता है BH1 बेस्ट, अगर ना मिले तो बाकी सारे हॉस्टल बेस्ट है। ठीक है, डबल रूम और डबल शेयरिंग बेड है, एंड जो BH1 में उसमें साथ 4 4 सीटर है, तो एक बार देख लेना, वो सारी चीज़ आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। और फिजिकल रिपोर्टिंग यार इतना कोई दिक्कत वाली, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, आओ अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करो। ठीक है, आपको जैसे कि कोई डॉक्यूमेंट्स आपका रह जाता है, इनके हिसाब से नहीं होता था, आप अंडरटेकिंग सबमिट कर सकते हो। आपको 1 मंथ का टाइम दोबारा दिया जाएगा, दोबारा भी सबमिट करने के लिए तो सबमिट करना पड़ेगा। एंड कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो ओरिजिनल लेते हैं, जैसे करेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, तो ये प्लीज यार बनवा के रखना। ठीक है, ये होने चाहिए, ठीक है, ओरिजिनल में ये, क्योंकि ओरिजिनल सबमिट होगा। अगर नहीं होगा तो वो तुम्हारी क्यूरी रेज कर देंगे, ठीक है, चाहे रजिस्ट्रेशन में हो और चाहे फिजिकल रिपोर्टिंग में, तो आपको रिसबमिट करना पड़ेगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। बाकी अदर चीज यार कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। जितने भी एनआईटीज के रिपोर्टिंग्स है फिजिकल, वो आप विजिट कीजिए, वहाँ पे वेबसाइट पे आपको डेट्स वहाँ पे पता चल जाएगी। कुछ चीज़ें बताता हूँ एनआईटी जलंधर के वेबसाइट, सर्च एनआईटी जे एडमिशन, डायरेक्ट सर्च करो आप, सीधा एडमिशन वाले सेक्शन पे पहुँचोगे, क्लिक। ये रहा बीटेक के, और ये यहाँ पे देखो 24 एंड 25 के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स के लिस्ट, एंड यहाँ पे प्रोसीजर भी बताया गया है। ठीक है, आपकी कैसे कैसे चीज़ें होंगी, तो ये स्पेशल है फॉर एनआईटी जालंधर स्टूडेंट। देखो यहाँ पे आपको प्रोसेस है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, बुकिंग योर टोकन, फिजिकल रिपोर्टिंग। ठीक है, और ये यहाँ पे यूआरएल दिया गया है, यहाँ से आप अपना फिलअप कर सकते हो, मुझे बैक आना है, आप लोग कीजिए। एंड उसके बाद पेमेंट बैलेंस का करना है, हॉस्टल फी करनी है, टेक प्रिंट आउट, रजिस्ट्रेशन फी, रजिस्ट्रेशन, ये आपके फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम लगेगा। ठीक है, एंड रिपोर्टिंग सेंटर है सेंट्रल सेमिनार हॉल में, भी मैं आपको उस टाइम पे दिख जाऊँ, बिकॉज कई बार उनको बुला लेते हैं। एंड वेरिफिकेशन ऑफ इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है, वैलिड होना चाहिए, 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए, वरना आपको फीस वेवर नहीं मिलेगी। ठीक है, और जो फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के जो डेट है 12 14 12 टू 14 एंड लास्ट है 16। ठीक है, रिपोर्टिंग सेंटर शेड्यूल्स टोकन वाइज होगा। ठीक है, और उसके बाद एक लेटर वहाँ से ऑप्शन में आएगा, जब ऑनलाइन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लोगे उसे डाउनलोड कर लेना, वो फिजिकल
फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे लगेगा, ठीक है। एंड हॉस्टल रूम वहाँ पे अभी अपडेट मिल जाएगा, ठीक है। आप वहाँ से अपलोड कर सकते हो ऑनलाइन, जो कि नया NIT जालंधर ने बनाया है ऑनलाइन हॉस्टल का। उसके बाद डिटेल स्टेप बाय स्टेप टू फिजिकल रिपोर्टिंग, ये चीज़ भी देख लो आपको, ठीक है। रजिस्ट्रेशन फर्स्ट, पेमेंट स्टेप 3, सेंट्रल हॉल यहाँ पे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। टाइमिंग जो है भाई 10 से 5 बजे तक का है फिजिकल रिपोर्टिंग है, ठीक है। इसके बीच में करवा लेना। और जो इशू हुआ है साइंड कॉपी ऑफ प्रोविजनल एडमिशन लेटर, जो आपको NITJK के वेबसाइट पे जब आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे वहाँ पे मिलेगा, ठीक है। थोड़ी वीडियो अगर लंबी हो जाए तो माफ़ करना यार। एंड हॉस्टल अलॉटमेंट है 7 स्टेप में, ऑनलाइन जो होगा, ठीक है, वो NITJK के वेबसाइट से ही हो जाएगा। कैंडिडेट आर एडवाइज टू विजिट इंस्टीट्यूट वेबसाइट रेगुलर फॉर अपडेट और एडमिशन प्रोसेस, ठीक है। तो ये अपडेट होने देना, बाकी ये सारा कुछ पढ़ लेना यार, सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लास्ट में लोकेशन भी दिया हुआ है कि आप कैसे कर सकते हो। एंड अपन चलते हैं नेक्स्ट चीज देखते हैं। ये देखो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स देख लो, जिनको नहीं पता चल रहा था ना, ये है आपके टोटल 15 डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने हैं। जो साइंस सीसेप का लेटर, एडमिशन लेटर, जेई मेंस एडमिट का स्कोर कार्ड, जैसे मैंने बताया 10th 12th की डिटेल मार्कशीट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, वैलिड PWD, अगर कोई PWD कैंडिडेट है तो एक वो चीज़ है, ठीक है। इनकम, ठीक है, 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए इशूड। एंड पेमेंट ऑफ इंस्टीट्यूट फीस अगर इफ एनी, ठीक है, आपके इनकम सर्टिफिकेट के बेस के ऊपर है, ठीक है। माइग्रेशन, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट, इसका फॉर्मेट मैं दे दूंगा, एक बार आप देख लेना, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा मैं सारे डॉक्यूमेंट्स का। एंड उसके बाद गैप सर्टिफिकेट, अगर किसी स्टूडेंट ने गैप दिया तो उसका अंडरटेकिंग सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। सर्टिफिकेट भी सबमिट कर सकते हो और अंडरटेकिंग भी सबमिट कर सकते हो, ठीक है। एंड एंटी रैगिंग वाला फॉर्म आप यहाँ से, ये जो वेबसाइट दी गई यहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हो। उसको सिंपली फॉर्म को फिल कीजिए, सबमिट कर दीजिएगा सिग्नेचर करके, आपको एफिडेविट बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये यहाँ पे दिया हुआ है गैप सर्टिफिकेट का, ठीक है, आप इसे बनवा सकते हो। चलो हम वापस आते हैं, ठीक है। और इसी साइड पर जब देखोगे ना, वहाँ पे आपको ऑप्शन दिया होगा URL का एंड यूजर नेम का, ठीक है। आपका यूजर नेम है जेई मेन एप्लीकेशन, पासवर्ड है डेट ऑफ बर्थ, ईयर मंथ एंड डेट। ये सारा प्रोसेस है भाई स्पेशल फॉर NIT जालंधर के लिए। फीस स्ट्रक्चर, आओ फीस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। और फीस स्ट्रक्चर का लॉजिक मैं समझाता हूँ आपको। जैसे लेस देन 1 लाख है ना, तो आपकी जो फीस होगी फॉर हॉस्टलर 30,500, ठीक है। 30,500 आपकी हॉस्टलर की फीस है, डे स्कॉलर की है 22,000, एंड जिसको बस चाहिए 25,000, ठीक है। और जिसकी इनकम सर्टिफिकेट है 1 लाख से 5 लाख के बीच में, उसकी है 51, और डे स्कॉलर के लिए 42, एंड जिसको बस चाहिए, ठीक है, डे स्कॉलर और बस चाहिए, तो उसकी 45, ठीक है। एंड जनरल जिसकी 5 लाख से अबव की है, ठीक है, तो उसकी है 93,000 इंस्टीट्यूट हॉस्टल की फीस, ठीक है। जिसके अंदर हॉस्टल ऐड है, ठीक है, ओनली मेस फीस आपको अलग से देना पड़ेगा। मेस फीस आपकी है अगर स्टार्ट 25,500 है, एंड देन उसके बाद आपका 10,000 लगता है कॉशन मनी, वो आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी सारी दी गई है, आप यहाँ पे देख सकते हो। हाँ, ये दासा के लिए अलग फीस स्ट्रक्चर है, यहाँ पे देख लेना फीस स्ट्रक्चर। चलो अपन और क्या चीज़ देख सकते हैं। अंडरटेकिंग हॉस्टल अलॉटमेंट्स के लिए एंटी रैगिंग का भी है। आप सबमिशन ऑफ एनुअल इनकम सर्टिफिकेट, हाँ बस गाइस यही है। बाकी मैथ फीस का यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया जाएगा, ठीक है, आप उसको पे कर देना। और यहाँ पे एजुकेशन लोन का सिस्टम भी दिया हुआ है, तो होप आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी, ठीक है। अगर फिर भी कोई डाउट आता है नीचे मुझे कमेंट कर लो, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो, एंड प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लो। और ये हमारा नया सेटअप है, होप सुन और नई वीडियो के ऊपर आएंगे, तो ठीक है। ओवरऑल इजी प्रोसेस है, ठीक है, तो थैंक यू।